नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। फसल बीमा की विसंगतियां दूर हो, सबको मिले राशि, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। विदिशा जिले के तहसील पठारी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी ने पिछले वर्ष खरीफ की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विसंगतियां और पात्र किसानों को बीमा ना मिलने के विरोध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सदस्य सुभाषिनी बोहत के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सदस्य वासनी बोहत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान स्वीकृति किए गए फसल बीमा को भाजपा श्रेय लेना चाह रही है। भाजपा सरकार के दबाव में अधिकारियों ने किसान के साथ भेदभाव कर मनचाहे किसानों को लाभ देना चाहा। कई पात्र किसानों को फसल बीमा से वंचित रखा गया। सुभाषिनी बोहत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा हमेशा ही किसान विरोधी रही है। भाजपा किसानों के साथ समर्थन देकर पाखंड रहती है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष यादवेश सिंह यादव ने किसानों के समर्थन में उच्च स्तर तक आंदोलन करने की बात कही है। किसान हितों में लगातार संघर्ष करेंगे, इस दौरान कई कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ ज्ञापन सौंपा। जिला विदिशा तहसील पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला विदिशा द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व कुरवाई जिला विदिशा। विषय: विगत वर्ष की खरीफ फसल के नुकसान पर प्रदान की जा रही बीमा राशियों के अनेक ग्रामों के किसान वंचित रखे जाने की जांच कर सभी किसानों को लाभ दिलवाने एवं बीमा वितरण विसंगतियों को दूर करने बाबत महोदय निवेदन है कि विगत वर्ष 2019 में दिया है, किस संदर्भ में दिया है? किसानों के लिए ज्ञापन दिया है, उनको बीमा राशि के लिए मुआवजा नहीं मिला है, फसलें बर्बाद हो रही है, इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है किसानों के संदर्भ में। तो किसानों के साथ लड़ाई लड़ती रहेंगे या फिर यहीं पर रुक जाएंगे? हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। तो बीजेपी आज जो ज्ञापन दे रही है हनुमता बांध के, इस पे आपका क्या कहना है? बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। बीजेपी के लोग सिर्फ किसानों से छलावा कर रहे हैं और छलावा करते हैं और हमेशा से छलावा करते आए हैं। उन्हें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सिर्फ छलावे के लिए किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। आगे राजनीतिक या प्रशासनिक किस स्तर के दबाव पे आकर एक खेत में जाके सर्वे कर पटवारी लोग लौट आए और इसमें बीमा में और मुआवजे में काफ़ी विसंगतियां पैदा हो गई हैं और हमारे क्षेत्र के 3 हलके छूट भी गए हैं। क्यों छूटे? क्योंकि जो 2019 का बीमा आया है जो कमलनाथ जी ने डाला है उसमें इस प्रकार की कटौतियाँ क्यों की गई हैं, सबसे पहली बात ये है। और हम ज्ञापन और आंदोलन तो ये जारी रहेंगे और इसमें काफ़ी विसंगतियां जो देख रहे हैं हम कि कहीं कहीं 1.25 लाख रुपए आए हैं जो विशेष किसान हैं उनके, अभी हमें लिस्ट मौजूदा स्थिति में हमें बताई नहीं गई है। हमने पता किया है अपने गोपनीय सूत्रों से बैंकों के सोसाइटी के अंदर कि इस तरीके की अनियमितताएँ हुई हैं और वो लिस्टों में से नाम हटाकर लिस्ट वैसी ही जारी की जाएगी जो आम किसानों की जाती है, उन विशिष्ट लोगों हटा दिया जाएगा।